हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एस लेवल वन एंड लेवल टू, दो लेवल की एग्ज़ाम दी जाती है जो क्लास फर्स्ट एंड सेकंड के बच्चों के लिए सिर्फ लेवल वन एग्ज़ाम होते हैं, जबकि क्लास थर्ड टू ट्वेल्थ तक के बच्चों के लिए यह सेकेंड लेवल लेवल टू एंड लेवल वन दो एग्ज़ाम होते। अब हम जानेंगे फाउंडेशन कितने सब्जेक्ट्स में ओलंपियाड लेती है। तो सबसे पहला ये नेशनल साइबर ओलंपियाड कंप्यूटर सब्जेक्ट्स के लिए लिया जाता है, नेशनल साइंस ओलंपियाड साइंस सब्जेक्ट के लिए, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड मैथ सब्जेक्ट के लिए, इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए लिया जाता है, इंटरनेशनल कॉमर्स ओलंपियाड कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए लिया जाता है, और यह एग्ज़ाम सिर्फ एलेवेंथ एंड ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए ही होते हैं। इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ऑफ ओलंपियाड जीके ओलंपियाड एंड इंटरनेशनल सोशल स्टडीज ओलंपियाड जो क्लास थर्ड से टेंथ तक के बच्चों के लिए सोशल स्टडीज ओलंपियाड लिए जाते हैं। अब हम जानेंगे हाउ टू पार्टिसिपेट, इस एग्जाम में आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स शुड रजिस्टर थ्रू देयर प्रस्पेक्टिव स्कूल, इस एग्ज़ाम में रजिस्टर आप सिर्फ अपने स्कूल के द्वारा ही कर सकते हैं। इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन बाय स्टूडेंट आर नॉट एक्सेप्टेड। SOF NSO conduct three date of level 1. Level 1 के exam के लिए SOF three dates देते हैं, जिसमें each school में select a date for conducting of SOF and as per convenience. यानी इन तीन डेट में प्रत्येक स्कूल अपने कन्वीनियंस के अनुसार कोई एक डेट को चूज करते हैं, और ईच डेट ऑफ एग्जाम हैज ए सेपरेट क्वेश्चन पेपर, प्रत्येक एग्जाम डेट पर अलग क्वेश्चन पेपर होते हैं। चेंज ऑफ डेट फॉर कंडक्टिंग ऑफ द SOF NSO इज नॉट परमिटेड। एक बार एग्जाम डेट चूज कर लेने के बाद आप एग्जाम डेट को चेंज नहीं कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फी, अब हम जानते हैं रजिस्ट्रेशन फी कितनी होती है। इंडिया में स्कूलों के लिए ये एग्ज़ाम पर पेपर 125 रुपीज़ लगता है रजिस्ट्रेशन फीस। जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर्स पेपर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सिर्फ 125 रुपीज़ आपको लगते हैं, और साथ ही यह ऑर्गेनाइजेशन आपको एग्जाम्पल्स बुक भी प्रोवाइड करती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो आपको रजिस्ट्रेशन के समय ही आप बुक के लिए भी फिलअप कर सकते हैं। तो वहाँ से ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ की पर पेपर बुक्स आती है, जो आप अभी साथ में मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट हम एग्ज़ाम पैटर्न जानेंगे। पेपर, द पेपर इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 60 मिनट्स। इस एग्ज़ाम के लिए एक घंटे का टाइम दिया जाता है, और क्लास फर्स्ट से फोर्थ तक के बच्चों के लिए 35 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, जिसे बच्चों को OMR सीट में गोला लगाकर भरना पड़ता है। एंड क्लास फिफ्थ से टेंथ तक के बच्चों के लिए 50 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। अब हम जानेंगे क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को तीन सेक्शन में डिवाइड किया रहता है। पहला सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग रहता है, सेकेंड सेक्शन सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, एंड सेक्शन थ्री अचीवर सेक्शंस होते हैं। अचीवर सेक्शंस में सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस ही थोड़े से हाई लेवल के टिकी क्वेश्चंस रहते हैं, कि बच्चे उस क्वेश्चन को हाई लेवल पर किस प्रकार उसको कर सकते हैं। इन सभी से रिलेटेड एक अलग वीडियो में बताऊंगी आपको, जिसमें आपको सिलेबस वाइज पर क्लास के क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहें और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। और अब हम देखते हैं, देयर आर सेपरेट क्वेश्चन पेपर फॉर ईच स्टेट ऑफ एग्जाम एंड द मीडियम ऑफ द टेस्ट ऑफ इज इंग्लिश। एग्जाम का मीडियम ओनली इंग्लिश ही रहता है, और एग्जाम के टेस्ट पेपर जो रहते हैं CBSE ICSE एंड स्टेट बोर्ड के जो सिलेबस होते हैं, इन सभी को ध्यान में रखकर एग्जाम के टेस्ट पेपर की सेटिंग की जाती है। तो आप जो है अपने स्कूल सिलेबस के साथ ही इसको आराम से प्रैक्टिस के माध्यम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। द एग्जाम इज कंडक्ट ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, स्कूल आवर्स में ही एग्जाम लिया जाता है।
अब हम देखेंगे एसओएफ एग्जाम शेड्यूल 2022-23। फर्स्ट लेवल एग्जाम के डेट सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दिए गए हैं। ऑलमोस्ट एग्जाम के डेट 3 डेट्स एंड 2 डेट्स एसओएफ के द्वारा बताए गए हैं। इसमें से स्कूल वाइज एक डेट सेलेक्ट किया जाता है और उस आधार पर आप एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस चार्ट के माध्यम में देख सकते हैं, नेशनल साइबर ओलंपियाड 24 नवंबर एंड 20 दिसंबर 2022 को लिए जाएंगे, जो क्लास फर्स्ट से 10th तक के होते हैं। तो आप इसको पॉज करके इसके डिटेल्स आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम जानेंगे सेकेंड लेवल एग्जाम। डेट्स ऑफ सेकेंड लेवल एग्जाम विल बी अनाउंस बाय जनवरी 2023। सेकेंड लेवल एग्जाम विल बी हेल्ड स्टूडेंट फॉर क्लास 3rd to 12th। पहले भी हम बता चुके हैं सेकेंड लेवल एग्जाम सिर्फ क्लास 3rd से 12th तक के बच्चों के लिए ही लिया जाएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास के बच्चों के लिए ओनली 1 लेवल एग्जाम ही होते हैं। अब सेकेंड लेवल एग्जाम में सब्जेक्ट रहते हैं इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स के पेपर के सेकेंड लेवल के एग्जाम होते हैं, जबकि सोशल स्टडीज, जीके, कॉमर्स एंड कंप्यूटर ये 4 पेपर के एग्जाम जो है सिर्फ बिल्वे सिंगल लेवल एग्जाम ही होंगे। सो प्लीज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और आप क्या इससे संबंधित जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएं, और हमें यह भी बताएं नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।